प्रत्याशी विद्युत परन महतो अभी तूफानी दौरा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल रैली के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको उनके प्रति वोट दें। हम शायद हम विद्युत परन महतो जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का दादा कितना समर्थन मिल रहा है। पूरा समर्थन है। क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? मुद्दा हम लोग का तो विकास है, सर्वांगीण विकास, समाज के दबे कुछ लोग का अपना न्याय दिलाना, उसके लिए काम करना और राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा रहे, जिस तरह पिछले 5 साल में भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने किया, सभी वर्ग के लोगों के विकास के साथ साथ देश को और तरक्की करे, विश्व बाजार में इनका नाम और ऊंचा हो, इसी संदेश के साथ हम लोग होंगे। क्या लगता है, क्या है आपका कितना फाइनल है और क्या 23 तारीख का चंपाई दा मान रहे हैं कि विद्युत बरन महतो हमेशा हमारे सामने जीरो रहा है, जीरो रहेगा। चंपाई सोरेन का मानना है कि हमेशा विद्युत बरन महतो मेरे सामने जीरो रहा है, जीरो रहेगा। वो हमेशा जीरो था, हीरो तो हम रहा, चाहे झारखंड आंदोलन हो, लोगों के साथ काम करने वालों क्या किया 20 साल में, कुछ नहीं किया, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सरायकेला में। इसके प्रति एकदम 100-200% अस्वस्थ है, अब भयंकर जीत हो रहा है। देख सकते हैं कि विद्युत वरण महतो थे हमारे साथ, उन्होंने जीत के प्रति काफी उत्साहित बताए हैं और जीत के प्रति बताए हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित होगा और देखना यह है कि 23 मई को पता चल पाएगा कि किसकी जीत होती है और दिल्ली तक कौन सांसद बन के जाते हैं। जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह, न्यूज 11।